वहीं पलामू का एक जवान मजदूरी करने को विवश हो गया है। दरअसल लातेहार के झीचा गांव के रहने वाले जगदीश सिंह 1989 में होमगार्ड में बहाल हुए थे, लेकिन उनकी नौकरी अवधि पूरी होने से पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वहीं जवान ने बेटी की शादी को लेकर विभाग और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। होमगार्ड में काम करते थे, हमरा मेरा ऑफिस से मिला थी कागज कि आपको 60 वर्ष पूर गया, तो हम अपना ऑफिस गए तो देखे कि हमरा 3 साल अधर बचल है, 57 के लिस्ट टंगा हुआ है। तो हम ड्यूटी मांगे लगे तो कहें कि आप लोग के अधर ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो हम डीजीपी भी यहाँ हम लोग कागज पर दिए तो वहाँ से गए भेज लिए, तो फिर भी बोले कि नहीं जाओ ऑफिस मिल जाएगा ड्यूटी, यहाँ जाते हैं ऑफिस में तो नहीं कागज आएगा तब नहीं मिलेगा। जो भी होमगार्ड है वो मतलब मजदूर के रूप में ईट भट्टा में काम कर रहे हैं, तो अगर वाकई में अगर मजदूर के रूप में वो काम कर रहे हैं तो हमारे श्रम विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलती है जिसमें वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से वो लाभान्वित मतलब हो सकते हैं। जैसे एक भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं हैं जिसमें से 15 प्रकार के लाभ की योजनाएं चलती है। अगर कोई भी मजदूर 90 दिन अगर निर्माण क्षेत्र में काम किया हो, अगर ईट भट्टा में भी वो मजदूर काम किया है, तो उसका श्रम विभाग में निबंधन होता है और निबंधन के पश्चात है कि 15 प्रकार की योजनाएं मिलती है उनको समय समय पर, जिसमें सेफ्टी किट योजना है, औजार किट सहायता योजना है, साइकिल सहायता योजना है, मातृत्व लाभ योजना है और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सहायता योजना है उनके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।